सबको ओम शांति। आज हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो सामान्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय की बर्बादी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो समय को बर्बाद करते हैं और किस प्रकार से हम अपने समय को बचा सकते हैं। समस्या यह हो सकती है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में रहता है कि अगर हम 2 बजे 3 बजे तक नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे अंक नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो अच्छे अंक का क्राइटेरिया है वह आपकी समझ पर निर्भर करता है और कितना आप याद कर पाते हैं इस पर निर्भर करता है, वह इस पर नहीं निर्भर करता कितने घंटे आप पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ विद्यार्थी क्लास में ही अच्छे से समझ लें और उतना ही पढ़ाई उनके लिए पर्याप्त हो और उनका एक एवरेज मार्क तो केवल क्लास से ही आ जाएंगे। इसके बाद अच्छे अंक लाने के लिए आपको जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो देखिए कि कब कब आप अच्छा गेन कर सकते हैं, कब कब अच्छा पढ़ सकते हैं। अब अगर शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से टेलीविजन में, मोबाइल में गंवा रहे हैं और फिर आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने उस दिन के जो शेड्यूल है उसका जो सबसे उत्तम समय था उसको आपने खो दिया, क्योंकि 5 से 10 5 घंटा तो आपने गंवाया। फिर उसको कवर करने के लिए आपने 4 घंटा पढ़ाई किया, परिणाम क्या हुआ कि आपने 2 बजे से लेकर के अगर सुबह 5 बजे उठ गए 4 बजे उठ गए या फिर आप 7-8 बजे भी उठते हैं तो अगले दिन का समय आप खराब करते हैं। इससे तात्पर्य क्या है कि आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। इसके बनिस्बत आप शाम के 5 बजे बैठ जाते, 6 बजे बैठ जाते और 10 बजे तक जो पढ़ते आप बीच में एक बार डिनर भी करते तो आपका बीच में एक बार रेस्ट भी मिलता और आपकी पढ़ाई बेहतर होती। तो इसको विशेष ध्यान दें। जो लोग अपना समय गंवा रहे हैं वो खेल कूद को भी आधा एक घंटा समय दे सकते हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं या ऐसे विद्यार्थी जिनके कंपटीशन का एग्जाम है, तो वह अपना सारा ध्यान अगर अपने फोकस पर केंद्रित नहीं करेंगे, आप दूसरे काम भी करें लेकिन वह काम आपके लिए आवश्यक हो तब करें, अनावश्यक है तो फिर उसमें अपना समय नष्ट न करें। अब आप देख लिए, आप खुद अपने मास्टर आप खुद बन सकते हैं, आप खुद इस चीज को जज करें कि समय मेरा कहां जा रहा है। मेरा समय मोबाइल ले रहा है, मेरा समय मेरे दोस्त लोग ले रहे हैं, मेरा समय यूट्यूब पर जा रहा है, मेरा समय व्हाट्सएप पे जा रहा है, अथवा मैं गपशप करने में अपने समय को नष्ट कर रहा हूं। तो ये सारे चीजों को छोड़ें। आपका ये अनप्रोडक्टिव वर्क है। देश के विकास में अगर आप कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, कहीं सामाजिक काम कर रहे हैं, तब तो वहां तक भी जायज है। अन्यथा हमारे देश के जो नौजवान युवा वर्ग है उन सबको अपने समय के अधिकतम सदुपयोग की तरफ सदैव ध्यान रखना चाहिए। श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार, आत्मनिरीक्षण तात्पर्य है कि हम अपने खुद को देखें, एक समय हम बनाएं और उस समय हम अपने को देखें कि कहां कहां हमारा समय जा रहा है और आगे हम ऐसा करेंगे तो कहां जाएंगे। जब आप उसको देखेंगे तो फिर आत्म सुधार का रास्ता होगा कि आप अपने आप सुधार को कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने को सुधार सकते हैं। तो यह प्रतिदिन हमें करना चाहिए और प्रतिदिन के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, उनके अनुसार फिर जब हम काम करेंगे तभी हम देश के और समाज के विकास में अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो आप भी सोचें और आपने क्या सोचा जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। सबको ओम शांति।